श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। विषय है योगनियों का। पहली योगनी का जो साधना था वो मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया था। अष्ट योगनी, जैसे सुर सुंदरी योगनी का हमने साधना दिया था, तो अष्ट योगनी वो योगनियां हैं जिनकी साधना करके कुबेर जो है कुबेर बने। इनके पास जो अनंत धन का मार्ग खुला उसके पीछे की स्रोत जो हैं वो अष्ट योगनियाँ थीं। अभी किसी ने मुझसे पूछा कि गुरुदेव 64 योगनियाँ होती हैं तो अष्ट योगनी क्यों? योगनियाँ करोड़ों होती हैं, ठीक है। इस पर एक कथा है कि जब युद्ध हुआ था देव दानव का, तो उसमें भगवती काली ने युद्ध किया था, ठीक है, और उनके देह का जो तेज था उस तेज से, वो तेज जहां जहां गिर रहा था वहां वहां से एक एक योगिनियां प्रकट हुई थी, तो करोड़ों योगिनियां प्रकट हुई थी, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वो भगवती का अंश अवतार है तो उनको भी काली माना जाता है, मतलब योगिनियों को काली के जितनी ही शक्ति है ऐसा माना जाता है। तो ये हुआ था जब घोर नाम के दैत्य के साथ उनका युद्ध हो रहा था। ये भी माना जाता है कि योगिनियां कौन है, तो भगवती गौरा की जो है सखियां हैं, ठीक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इन योगिनियों का अलग से वर्णन होता है। उसमें कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के नासिका से 64 योगिनियों का जो है वो प्रकट हुई थी। 64 योगिनी कहने का एक कारण है, इसके पीछे एक मैथमेटिक्स है। क्या मैथमेटिक्स है? एक तो जो है जो अर्धनारेश्वर हम मानते हैं कि जब भी स्त्री है तो पुरुष पूरक होंगे, जब भी पुरुष है तो स्त्री पूरक होंगी। तो एक जो पुरुष है जो सर्व गुण संपन्न है उसमें कितने गुण होते हैं? 32 गुण होते हैं, और 32 गुण होते हैं महिलाओं में तो 64 गुण। तो जिनमें 64 गुण है यानी 64 योगिनी, तो वो शिव शक्ति का संपूर्ण कलाओं से युक्त माना जाता है, इसीलिए उनको योगिनी बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि योगिनी की साधना से सब कुछ हो सकता है। अष्ट योगिनी क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से योगिनियों का काम क्या है? योग बनाना, ठीक है। बहुत लोग आज के डेट में बोलते हैं जो योग करते हैं वो योगिनी हो जाती है। आजकल क्या है कि शब्दों पे बड़ा लोग खेलते हैं, जो डाइन विद्या जानता है वो डाकनी हो जाती है। उसी तरीके से जो योग करती है वो योगिनी हो जाती है। नहीं नहीं, योगिनी का मतलब वो होता है जो योग बनाते हैं। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे, जो अच्छे तांत्रिक होंगे, वो किस दिन किस दिशा में कौन सी योगिनी बैठी है इसका जो है मूल्यांकन करते हैं कभी भी तंत्र करने से पहले। तो जो 8 मुख्य दिशा है उसकी 8 योगिनी जो है वो मेन आधिपत्य उनका रहता है। उसके बाद हर योगिनी की एक एक सहायक योगिनी होती है। तो इस हिसाब से जो है 16 योगिनी हो गई, ठीक है। और जो 4 दिशाओं में 16 × 4 यानी 64 योगिनियां हो गई, ठीक है। तो इसी आधार पर 64 योगिनी जो है वो 64 प्रकार के तंत्रों की इष्ट धात्री होती है। तो आज उनमें से जो दूसरी योगिनी है मनोहरा, उनकी साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मनोहरा की जो साधना है वो लगभग 1 महीने चलती है, ठीक है, और 1 महीने में ही मनोहरा जो है वो सिद्ध हो जाती है। मनोहरा की साधना के लिए आपको क्या क्या वस्तुओं का प्रयोग होगा? सबसे पहले तो ये है कि आपको जो है एक नदी तट पर इसकी साधना करनी होगी। आप घर में बैठ करके ये साधना नहीं कर सकते हैं। तो सुबह सुबह उठा, नदी तट पर गए, स्नान किया, जो कर्म है उसको पूर्ण किया, और उसके बाद जो न्यास का कर्म होता है, मतलब सुबह उठ करके जो अनुलोम विलोम करते हैं आप लोग, वो अनुलोम विलोम सब करने के बाद चंदन ले लेंगे, सफ़ेद चंदन, और उससे मंडल बनाएंगे। मंडल मतलब क्या होता है? स्टार होता है, जो 6-फेसेड स्टार होता है ना, ऊपर हम ऊपर की तरफ एक त्रिकोण, उसको काटते हुए नीचे की तरफ दूसरा त्रिकोण, और उसमें लिखेंगे जो मंत्र हमें जाप करना है। क्या मंत्र जाप करना है? ओम ह्रीम मनोहरे आगच्छः स्वाहा। क्या? ओम ह्रीम
मनोहरे आगच्छः स्वाहा। ओम ह्रीम मनोहरे आगच्छः स्वाहा। ठीक है। अच्छा, ये जो आप यंत्र बनाएंगे, ये कहाँ बनाएंगे? आप जमीन पर बनाएंगे, ठीक। और उसके बाद जो है उस यंत्र की तरफ देखते हुए योगिनी का ध्यान करेंगे। तो कैसी है मनोहरा योगिनी? एक तो ये विचित्र वेशभूषा रखती है ऐसा माना जाता है, ठीक है। इनके नेत्र हिरण के समान होते हैं, मुख जो है बिल्कुल शांत, बिल्कुल जैसे शीत के मौसम में चंद्रमा, ठीक है। उसके अलावा अरुणा वर्ण है इनका, और इनसे जो है चंदन पूरे शरीर पे इनका लेपन किया हुआ रहता है। श्रेष्ठ आभूषण पहनती है, और इनका जो वस्त्र है वो ऐसा है जो मनुष्य समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इनका साधना जो कर लेता, आप समझ लीजिए कि ये योगिनी ऐसी है जो कामधेनु के की तरीके की हैं। आपने इनका साधना कर लिया, उसका जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। जब आप ध्यान कर लेंगे तो मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करने से पहले क्या है कि जो मंत्र आपको बताया है उस मंत्र पर, उस मंत्र को लेकर के पहले अगर अगर तगर होता है ना, तो अगर एक क्या बोले जड़ होता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जड़ी बूटी होती है। अगर जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसका यूज़ नहीं करेंगे, वो जड़ी बूटी लेंगे, उसको अभिमंत्रित करेंगे जो मूल मंत्र है उससे। क्या है मूल मंत्र? ओम ह्रीम मनोहरी मनोहरे आगच्छ स्वाहा, ठीक है। उसके बाद धूप लेंगे, जो भी गुलाब का धूप लाए हैं आप, गूगल धूप लाए हैं, उसको अभिमंत्रित करेंगे। फिर दीप को जला के अभिमंत्रित करेंगे, सबको हाथ में रख रख के। जो आपने गंध लाए, जो इत्र लाया है उसको, इसमें चंदन का इत्र दिया जाता है तो चंदन के इत्र को अभिमंत्रित करेंगे। पुष्प जो भी लाए हैं उसको अभिमंत्रित करेंगे। मधु और साथ में पान, इन दोनों को साथ में रख करके इसको अभिमंत्रित करेंगे, ठीक है। और फिर एक एक करके इन सब चीज़ों को सबसे पहले तांबुल को चढ़ाएंगे, और फिर तांबुल के ऊपर जितनी सामग्रियाँ हैं उसको एक एक करके फिर से मंत्र बोलते हुए चढ़ाएंगे। ये क्रिया जो है आपको 1 महीने तक करनी है, ठीक है। मंथ के जो अंतिम दिन जब हो जाएगा तो सुबह उठ करके मंत्र जपना आरंभ कीजिएगा, दिन भर जप करते रहिएगा। जब अर्धरात्रि हो जाएगी तो मनोहरा जो योगिनी है, अगर आपने कहीं भी त्रुटि नहीं की है, बिल्कुल मन से इनकी साधना की है, तो ये आपके सम्मुख आकर के खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। और जब ये आती है तो बिल्कुल प्रसन्न होकर आती हैं, और जो भी वर होता है वो मांगने के लिए करती हैं, मतलब बोलती हैं कि आप अपना जो भी वर है मांग लीजिए। बस देखिए कितना सिंपल सा इनको सिद्ध करने का विधान है। अनंत काल से अभी तक हमने यही देखा है, जो भी किताब में पढ़ा है, कि 1 ही महीना इनकी साधना करनी चाहिए। ऐसे जो अभी के तंत्र के किताब आते हैं उसमें कहा जाता है कि युगों के हिसाब से साधना को बढ़ा देना चाहिए, लेकिन इनकी साधना अभी भी 1 ही महीने की होती है। जब आप शुरुआत करेंगे साधना का, तो प्राणायाम करते वक्त ह्रीम मंत्र का उच्चारण कर लेंगे, जो शुरुआत में मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। और जो अंग न्यास आप करते हैं, मतलब कि जब हमने आपको पहले भी सिखाया है कि पहले अंगूठे को छूना है, फिर तर्जनी को छूना है, मध्यमा को छूना है, कनिष्ठिका को छूना है, उसमें हर बार जो है रांग का हम लोग उच्चारण करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से जो कर न्यास है वो पूर्ण हो जाएगा। एक चीज में ध्यान देना है कि जैसे भगवती आपके सामने प्रकट होती है, तो चंदन वाला जो जल होता है, मतलब जल में चंदन मिला करके, और उसको भगवती को तुरंत आचमनी देना है। इसको करने से भगवती जो है बहुत प्रसन्न हो जाती है, और साथ में पुष्प चढ़ाने चाहिए भगवती को, ठीक है। जो चंदन का जल आप देते हैं भगवती को उस समय, वो एक तरीके से बलि हुआ उनके आने पे, और बलि के साथ आप पुष्प देते हैं तो भोग और पुष्प आपने दे दिया, ठीक है। उसके बाद भगवती वर बोलेगी कि वर मांगो, आप वर मांग लेना। लेकिन इसमें यही है कि कहा जाता है कि इन योगिनी के साथ एक खास बात है कि आपके मन में जो भी मनोरथ होगा ये स्वयं पूर्ण कर देती है, सिर्फ ठीक होना चाहिए।
सतयुग में कहा जाता है इनको सिद्ध करने से रोज 100 सोने की मोहरे देती थी। अब ऐसा नहीं होता है। माता अष्टलक्ष्मी और रांची वाले भैरव बाबा से प्रार्थना है कि आपको सफल साधक और धनवान बनाए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अल्लाह आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंगजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्।